ओम ज्ञानतिमिरांध्यश्याम ज्ञानञ्जनाशलाकं चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, इसका चौथा अध्याय श्लोक संख्या 3 पे कल हम लोग चर्चा किए थे। स एवायम मया त्यज्य योगा प्रोक्ता पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही तदुत्तमम्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि स एव अयम मया त्यज्या, उसी योग को भगवद्गीता के विज्ञान को जो मैंने विवस्वान को प्रदान किया था कुछ 12 करोड़ साल पहले, और फिर उनके माध्यम से राज ऋषियों इमम राज ऋषियों विदुर, तो राजाओं के माध्यम से पृथ्वी लोक तक ये ज्ञान आया मनु महाराज के द्वारा। और लेकिन योग नष्टा परंतपा, लेकिन कुछ समय पश्चात कालांतर में जब भगवद्गीता का विज्ञान लुप्त हो रहा था नष्ट हो रहा था, मतलब कि लोग इसका गलत व्याख्या करने लग गए, इसका असली उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया उसी विज्ञान को स एवायम, वही वही सेम जो ज्ञान है आज मैं तुमको प्रदान कर रहा हूँ अर्जुन। क्यों ऐसा, मेरा क्या योग्यता है, अर्जुन पूछ रहा है। भगवान बोले भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम्, क्योंकि आप मेरे भक्त हो और साथ ही साथ में आप मेरे सखा हो, इसलिए आप इस उत्तम रहस्य को जान सकते हो, इसलिए आप योग्य। ये हमने कल यहाँ तक चर्चा किया था, इससे भगवान ये हिंट दे रहे हैं, बता रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि केवल और केवल जो भगवान का भक्ति करता है, भक्त बन जाता है, वही इस उत्तम रहस्य को जानने के लिए योग्य है। अपने संस्कृत के ज्ञान से और विद्वता से बुद्धि से कोई भी व्यक्ति या बहुत सारा डिस्कशन करके बहुत गीता के ऊपर चर्चा विचार विमर्श करके भी समझ नहीं सकता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड आचार्य हैं, तथाकथित आचार्य लोग हैं इस संसार में जो बहुत गहराई से बहुत लंबे समय से बहुत सारे इसके ऊपर चर्चा विचार विमर्श करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ये ज्ञान भी नहीं समझ पाते हैं कि कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास अध्यात्म चेतसा का वो कुछ और मीनिंग बताते हैं। एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि मई का मतलब होता है मेरे लिए, सर्वाणी कर्माणी मतलब सारे कर्मों को मेरे लिए अर्पित करो, एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन ऐसे जो तथाकथित आचार्य हैं जो भक्त नहीं होते हैं, कृष्ण के भक्त नहीं, तो उनके प्रति कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का भाव रहने के कारण वो इसकी व्याख्या कुछ अलग तरीके से करते हैं, तो इसको बोलते हैं योग नष्टा। योग नष्टा जब हो जाता है तो भगवान आते हैं और अपने एक विशेष भक्त को सेलेक्ट करके स्वीकार उसको चूज करके उसके माध्यम से वापस से इस गीता के ज्ञान को स्थापित करते हैं, और फिर उसी भक्त परंपरा से गीता का ज्ञान जो है प्राप्त होता है भक्तों की परंपरा। जैसे अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण के भक्त है, सखा है, तो अर्जुन के माध्यम से एक परंपरा भगवान कृष्ण ने चालू किया। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन में, भगवद्गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसीलिए केवल वो व्यक्ति भगवद्गीता को समझ सकता है जिसके अंदर अर्जुन के जैसी ही योग्यताएं होती हैं, अर्जुन के समान जो है। अर्जुन के समान मतलब वैसा नहीं कि अर्जुन के जैसा धनुर्धरी होगा, अर्जुन के जैसा धनुर्धरी होना ऐसा जरूरी नहीं। अर्जुन के समान होना मतलब कि अर्जुन भगवान का भक्त था, कृष्ण का भक्त था, कृष्ण को स्वीकार करता था, इसलिए वही व्यक्ति जो इस प्रकार से भक्त है वो समझ सकता है भगवद्गीता के रहस्य को, अन्यथा ये उसी तरह से जैसे कोई जो हनी बॉटल है
शहद का बरनी है उसको बाहर से केवल जीवा से जो है स्पर्श करता है, लेकिन कोई टेस्ट मिलने वाला नहीं, जब तक वो बॉटल को खोल करके हनी को लेकर के टेस्ट नहीं करेगा, तब तक वास्तविक उसको स्वाद नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से भक्ति के माध्यम से ही भगवद गीता का जो वास्तविक ज्ञान है उसका कोई आस्वादन कर सकता है। तो इस बात को भगवान यहाँ पे स्थापित करते हैं। तो अर्जुन अब इस तो ये सब सुन करके अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी इस श्लोक के माध्यम से पता चलेगा कि संशय उत्पन्न होना, डाउट आना, ये गलत नहीं है, लेकिन हम वो किस भाव में पूछते हैं, किस तरीके से जिज्ञासा करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो अर्जुन ऑलरेडी भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल दिए हैं कि तुम मेरे भक्त और सखा हो तीसरे श्लोक में, इसलिए तुम इस उत्तम रहस्य को समझ सकते हो। तो इसलिए अर्जुन अब वो तरीका बता रहे हैं कि इस उत्तम रहस्य को समझने के लिए किस प्रकार से इंक्वायरी करना चाहिए, किस प्रकार से जिज्ञासा करना चाहिए, ताकि आप समझ पाओ। या दूसरे शब्दों में बोलें कि भक्त किस प्रकार से जिज्ञासा करता है, इंक्वायरी करता है, और जो भक्त नहीं वो किस प्रकार से जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, इस श्लोक के माध्यम से ये पता चलेगा। या दूसरा इस श्लोक के माध्यम से ये पता चलेगा कि जो भक्त होते हैं वो किस किस भाव में गीता के रहस्य को समझ पाते हैं इंक्वायरी कर करके। तो वो एक शिक्षा मिलती। तो आज के श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाचा अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन सेड द सन गॉड विवस्वान इज सीनियर बाय बर्थ टू यू, हाउ आई टू अंडरस्टैंड दैट इन द बिगिनिंग यू इंस्ट्रक्टेड दिस साइंस टू मी। अर्जुन प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, अर्जुन वाचा मतलब अर्जुन ने कहा, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। अपरम भवतो जन्म, अपरम भवता जन्म परम जन्म विवस्वता, भगवान पहले श्लोक में अर्जुन को बोले कि एमं विवस्वते योगम, कि सूर्य के देवता कौन, विवस्वान, सूर्य के देवता का नाम क्या है, विवस्वान। तो मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को ये ज्ञान दिया है, तो अर्जुन के पास कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अर्जुन बहुत बुद्धिमान थे, तुरंत वो कैलकुलेट कर लिए कि सूर्य के देवता को भगवान ने ज्ञान दिया है, कब दिया होगा, कैलकुलेशन में आया कि 12 करोड़ 4 लाख साल पहले। तो अर्जुन को ये क्वेश्चन उठ रहा है कि आपका जन्म जो आप तो भवता जन्म अपरम, अपरम मतलब जूनियर, परम मतलब श्रेष्ठ सीनियर, अपरम मतलब जूनियर, भवता मतलब आपका जन्म, तो आप जन्म के अनुसार तो आप जूनियर हैं, और परम जन्म विवस्वता, विवस्वान आपसे काफी सुपीरियर हैं, बहुत पहले उनका जन्म हो गया था, आप तो हमारे मेरे साथ के ही हैं। उस वक्त भगवान कृष्ण का उम्र कितना था जब गीता बोल रहे थे, मालूम है किसी को, 80 साल नहीं, लगभग 125 साल बताते हैं, हाँ 80-90, ठीक है, लगभग 125 साल तक बोलते हैं कि भगवान कृष्ण रहे, और महाभारत गीता सुना करके उसके बाद फिर भगवान जब युधिष्ठिर महाराज को राजा बना लेते हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ से डिसअपियर होने की लीला हो जाती है। तो जो भी, अगर 90 साल, 100 साल, 80, 120 साल भी माने, तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आपका और मेरा उम्र तो इतना ही है, 80, 90, 100, 120 साल है, लेकिन विवस्वान तो 12 करोड़ साल पहले, 12 करोड़ 4 लाख साल उनका उम्र है, और आप बोल रहे हैं उनके जीवन के प्रारंभ में आपने उनको गीता सुना दिया था। तो जो साधारण व्यक्ति जब इस प्रकार से सुनते हैं, जो भक्त नहीं है, तो वो क्या आप कैसे पूछेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, हनुमान जी कैसे जो है इतनी बड़ी समुद्र को ऐसा कैसे जंप लगा सकते हैं कि पूरा समुद्र को लांग के चले जाए, तो वो क्या बोलेंगे, इस प्रकार से इम्पॉसिबल है। लेकिन जो भक्त होगा जिसको नहीं पता होगा, तो पूछेगा कि अच्छा हनुमान जी इतने बड़े समुद्र को एक जंप लगा करके क्रॉस कर गए, अच्छा कैसी अद्भुत शक्ति है हनुमान जी में, ये बताएंगे थोड़ा, इस प्रकार से उसका जिज्ञासा होगा, यानी वो स्वीकार करेगा। अब उनकी महिमा को जानने के लिए वो प्रश्न पूछेगा, फिर बताएगा कोई कि हनुमान जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, तो अष्ट सिद्धियां हैं तो कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि आपका जन्म तो मेरे आसपास ही हुआ है, और विवस्वान आपसे काफी सीनियर है, लेकिन अर्जुन ये नहीं बोल रहे हैं कि क्या कृष्ण आप भी ऐसा मजाक करते हो, कुछ भी बोलते रहते हैं आप, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो
ऐसा अर्जुन ने नहीं बोला। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादो प्रोक्तवानिति। हाउ एम आई टू अंडरस्टैंड दैट इन द बिगनिंग यू इंस्ट्रक्टेड दिस साइंस टू हिम। अर्जुन पूछ रहे हैं कथमेतद, ये जो आप बता रहे हैं कि आपने विवस्वान को ये ज्ञान दिया है, कथम कैसे, विजानीयाम मैं कैसे समझूं, यानी मेरा बुद्धि अभी काम नहीं कर रहा है, मेरे बुद्धि में कमी है कि मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन निश्चित रूप में आप बोल रहे हैं तो आपने बोला है, ये ज्ञान दिया है 12 करोड़ साल पहले सूर्य के देवता को, लेकिन मैं इसको कैसे समझूं, आप मुझे इसको समझाइए कि ऐसी आपकी अद्भुत ऐसी अचिंत कैसी शक्ति कार्य करती है कि आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सखा हैं, मेरे मेरे समकालीन हैं, लेकिन आप जो है विवस्वान को ये ज्ञान दिए हैं, क्या ये आपने दूसरे पिछले जन्म में दिया था? अगर पिछले जन्म में दिया था तो आपको याद कैसे है? मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो इस जन्म का ये सब कुछ याद नहीं है। अर्जुन को तो याद था लेकिन हमको नहीं याद रहता है। अगर आपको पूछे कि आप बताइए 2 दिन पहले लंच में आपने क्या खाया था, कौन सी सब्जी खाई थी 2 दिन पहले लंच में, हमको बहुत ऐसे खुजली करना पड़ेगा याद करने के लिए। हमको तो 2 दिन पहले का भी हिसाब किताब याद नहीं रहता है, तो कुछ सालों का तो कैसे याद रहेगा। और लोग बोलते हैं अगर हमारा पिछला जन्म था तो हमको याद क्यों नहीं, पिछला जन्म तो दूर की बात है भाई साहब, आप पहले इस जन्म में भी कुछ दिन पहले आपने क्या खाया था पहले ये याद करके बताओ, फिर पिछले जन्म का आप पूछना। ये कलयुग में इतना ज्यादा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता रहता है। हाँ, तो अर्जुन इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मुझे तो केवल इस जन्म का याद है, तो आपने विवस्वान को ये ज्ञान दिया तो क्या आप, इसका मतलब आपका जन्म नहीं होता है, आप हमेशा से थे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, या इसका मतलब ये है कि आपने पिछले जन्म में उनको ज्ञान दिया तो फिर आपको याद कैसे, मुझे तो याद नहीं। तो ये सब जो है बड़ा रहस्यमय है, मेरा बुद्धि इसमें काम नहीं कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो अब आप ही बताइए कि ऐसा आपने कैसे, तुम आदव, आपने आदव मतलब इन द बिगनिंग शुरू में सूर्य के देवता विवस्वान को प्रोक्तवानिति इस प्रकार का ज्ञान दिया। तो जब इस प्रकार से कोई जिज्ञासा करता है, जैसे अर्जुन जिस भाव में जिज्ञासा कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो वक्ता होते हैं, संदेश देने वाले, उनको भी प्रेरित करते हैं कि वो ठीक ठीक से स्पष्ट रूप में उनको बता सकते हैं, दिव्य ज्ञान दे सकते हैं। और दूसरा, वो खुद भी, वो ऐसा व्यक्ति भी योग्य होता है, मतलब प्रॉपर रिसिपिएंट होता है कि वो जो इस ज्ञान को प्राप्त करके समझ पाएगा। जब कोई चैलेंज करता है ना, चैलेंजिंग स्पिरिट में, यानी चुनौती देते हुए पूछता है, ऐसे प्रश्न उठाता है कि क्या प्रूफ है कि भगवान ने ऐसा किया है, ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ कि भगवान रामचंद्र इतना बड़ा पुल बना दिए, हनुमान जी जो है अच्छा जंप लगा करके पहुंच गए, और इतनी सारी सेना को लेकर के ऐसे युद्ध हुआ, इस प्रकार के अनेकों, भगवान वामन देव आए, 3 पग भूमि में 2 पग भूमि पूरा ब्रह्मांड ले लिए, ऐसा कैसे संभव है, ऐसे हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार के जब कोई चैलेंज करता है, दसम स्कंद में एक अध्याय में एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जो साधु के लक्षण, जो साधु के कई लक्षण बताए गए, तो उसमें से एक लक्षण बताया गया है कि जो साधु होते हैं, असली साधु होते हैं, दे रिजर्व द राइट टू स्पीक, दे रिजर्व द राइट व्हेन टू स्पीक और व्हेन नॉट टू स्पीक। तो वो, उनके पास ये पूर्ण अधिकार होता है कि वो कब ज्ञान दे सकते हैं और कब ज्ञान नहीं देना है, कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता है, भगवान को भी और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उन दोनों को। जैसे सुखदेव गोस्वामी खुद, सुखदेव गोस्वामी जैसे जन्म हुआ उनका तो वो तो निकल पड़े वन की तरफ, फिर उसके बाद जो है वो लीला होता है, वेद व्यास जी भागवत के कुछ श्लोक सुनवाते हैं, श्रवण करवाते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी सुन करके फिर आकर्षित हो जाते हैं भागवत के ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और बहुत ही विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा पूर्वक वापस आते हैं वेद व्यास जी के पास और भागवत का पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर उसके बाद पूरी तरह से परम विरक्त तो पहले से ही थे वो, अभी शुद्ध भक्त हैं और भगवान कृष्ण के ही पूरी तरह से दिव्य चिंतन में वो भ्रमण करते रहते थे, हर जगह गांव-गांव में, नगर नगर में, जंगलों में, कहीं भी जाते रहते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। कई लोग आते थे रास्ते में, कुछ लोग जो है उनको गाली देते थे, कुछ उनको हंसते थे, कुछ करते थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन किसी के पास भी रुक करके कोई ऐसे गाली देते हुए या कुछ बोलते हुए उनको चुनौती भी करता होगा, क्या भाई बहुत बड़े महात्मा बन रहे हो, ऐसे घूम रहे हो, कुछ पहन तो लो, ऐसे करके कुछ लोग बोलते रहे होंगे, अपने आप को क्या समझते हो,
ऐसे करके अलग अलग लोग बोलते रहे, लेकिन किसी को कुछ भाव नहीं दिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कृष्ण के स्मरण में पूरी तरह से विचरण ऐसे करते रहते थे, और किसी को बैठ के समझाने नहीं लग गए, चलो बैठो मैं बताता हूँ भागवत में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है। हाँ, ये भी एक शिक्षा है। सेंटली पर्सन जो साधु होते हैं, वो उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ये आपको अभी ज्ञान देना है, इस प्रकार से ज्ञान देना। कई लोग जो है ना, वो इनवाइट करते हैं। मेरे को एक बार एक फोन आया है ना, गरम दल के नेताओं के द्वारा। अच्छे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, गरम दल भी जरूरी है। तो वो फोन किए, बोले हमने सुना कि आप धर्म के ऊपर प्रवचन देते हैं। बोले हाँ। बोले हम लोग को एक प्रवचन कराना है। हाँ, लेकिन हमको आक्रोश वाला प्रवचन कराना है, आक्रोश चाहिए, वहां पे जो एकत्रित लोग, क्योंकि उनके खून को गर्म करना है। मैं पूछा आप कौन से दल से हैं? बोले हाँ, हम बजरंग दल के हैं। अच्छा, हाँ तो अच्छी बात है, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारा ये कार्य नहीं है कि हम लोगों के गर्म खून को गर्म करें, खौलाएं उसको। हमारा सिंपल सा कार्य है, हम भगवद गीता और भागवतम के ऊपर जो वहाँ पे धर्म की स्थापना है वो हम कर सकते हैं। जितेश प्रभु बोल रहे हैं, मैं दे दूंगा प्रभु। ठीक है, जितेश प्रभु को अगली बार याद करेंगे, अगर ऐसा मेरे पास कॉल आएगा तो हम उसको, मैंने उसको यही बोला कि हम गीता और भागवत की शिक्षा है धर्म के ऊपर, वो हम उसको प्रदान कर सकते हैं, आपको अगर चाहिए तो आ जाएंगे, और आप आक्रोश वाला जो है वो आप कार्य करिएगा, हमको आप कीर्तन करने के लिए आधा घंटा लेक्चर के लिए बोल सकते हैं। तो वो बोला कि ठीक है, ठीक है, हम आक्रोश वाला हमको चाहिए। बोला ठीक है, फिर आप और कोई ढूंढ लीजिए जो आक्रोश करके कर सके, तो आप फोर्स नहीं कर सकते। ऐसे ये जो सो कॉल्ड कथाएं होती हैं, भागवत कथाएं करते हैं लोग, 7 दिन में। एक और ऐसे एक व्यक्ति फोन किया, बोला 7 दिन में आपको भागवत महात्मा भी करना है, और पहले स्कंद से लेकर के 12 स्कंद कंप्लीट करना है। मैं बोला 7 दिन में भागवत का पहला श्लोक ही कर सकता हूँ, आपको करवाना है तो करवा लीजिए, मेरा ऐसा अभ्यास भी नहीं। पहली बात तो मैं उसको बताया कि मैंने कभी भागवत सप्ताह दिया नहीं है कि मैं 12 स्कंद एक साथ बैठ के, क्या 12 स्कंद एक साथ देंगे हम? आप भागवत का एक श्लोक, भागवत का महात्मा भी अगर बोलना है ना, उसी में कई घंटे लग सकते हैं। तो ये जस्ट एक इमिटेशन है, परीक्षित महाराज भागवत सप्ताह सुने उसको नकल करने के लिए लोग ये प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार से। लेकिन साधु वो ही वन कैन नॉट फोर्स हिम टू स्पीक इन अ वे वन लाइक्स टू हियर, यानी कोई व्यक्ति जिस जैसा पसंद करता है वैसा सुनना चाहता है, तो एक जो प्रामाणिक साधु उसको फोर्स नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी को ऐसे बोले कि स्वामी जी, आप बहुत ज्यादा युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं, वी वॉन्ट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, हमको शांति और सुख चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले कि भाई, जब आपके हृदय में ही अशांति मची हुई है, अनर्थों का युद्ध हो रहा है, तो आप कैसे शांत रह सकते हैं? जब तक आप भगवद गीता के सिद्धांत को नहीं समझेंगे, तब तक आप शांत नहीं रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी को इस पर कई कई बार लोगों ने इस प्रकार से बोलते थे। तो सुखदेव गोस्वामी, लेकिन इस पर, लेकिन जैसे ही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से मिले, और परीक्षित महाराज बड़े विनम्रता के भाव से जब प्रश्न पूछे, कृष्ण के बारे में जानने का इच्छा प्रकट किए, तो वही सुखदेव गोस्वामी जो किसी के पास एक कुछ मिनट भी नहीं रुकते थे, वो 7 दिन तक बैठ के दिन रात प्रवचन किए, कृष्ण का कथा सुनाए। इसी प्रकार से हम जो प्रामाणिक भक्त होते हैं, साधु होते हैं, उनका पूर्ण लाभ उठा सकते हैं जब हम विनम्रता पूर्वक सबमिसिव होकर के ज्ञान को, जो सत्य है, उसको प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करें, ना कि हम इस प्रकार से सुनना चाहते हैं जो हमको मनोरंजन दे या जो हमको अच्छा लगे, उस प्रकार से हम कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे उसी भाव को प्रकट कर रहे हैं, कथम एतद विजानीयम, मैं कैसे समझूं भगवान, आप बताइए। तो भगवान अर्जुन अपने आप को योग्य, इसलिए अर्जुन योग्य पात्र हैं गीता के ज्ञान को सुन करके समझने के लिए, क्योंकि उनका भाव ऐसा सबमिसिव है। और भगवान कृष्ण भी अर्जुन के इस प्रकार के सुंदर प्रश्न को सुन करके, अर्जुन ने तो केवल ये प्रश्न पूछा, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में भगवान पूरा ये 4th अध्याय बोलने वाले हैं, और बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी बताएंगे। ये इस श्लोक से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कैसे हमको इंक्वायरी करना चाहिए सबमिसिव होकर के, और जब भी हम कोई इंक्वायरी करते हैं, अगर हमको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, तो सबसे पहले हमको स्वीकार करना चाहिए कि यस, गीता और भागवत में जो लिखा है वो परम सत्य है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे समझाने के लिए आप थोड़ा इसका व्याख्या करें। तो ये है इंक्वायरी या प्रश्न पूछने के तरीके। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु।
मेरा एक, हाँ, जैसे ये मैं अभी भागवतम पढ़ रहा हूँ, तो इसमें लिखा है कि ये जो भागवतम है वो गुरु शिष्य की परंपरा से चलता आ रहा है, और ये आपको अगर ये सुनना है और भगवान की भक्ति पाना है तो गुरु शिष्य की परंपरा से जो चले आ रहे हैं उनसे ही सुनना है, ठीक है। तो ये बाकी बहुत सारे, अभी तो देख रहा है कि बहुत सारे वक्ता है और हम उनसे भी सुनते हैं, तो क्या उनसे सुनने में भगवान की भक्ति, मतलब भगवान का वो हमको लाभ मिलता है कि क्या है? तो वो आप खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि जी हाँ हम खुद जज कर सकते हैं कि परिणाम क्या है। हम जिस भी साधु से, जिस भी भक्त से सुनते हैं, तो उनसे सुनने वाले जो भक्त लोग हैं, क्या उनके जीवन में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है? क्या वो कृष्ण के नाम का जप कर रहे हैं? क्या वो इस भौतिक संसार के पाप कार्य को छोड़ पा रहे हैं? अगर ये रिजल्ट हो रहा है तो हमको उनसे सुनना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कई लोग होते हैं, बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम होता है, लाखों लोग आते हैं, आया गया, आया राम गया राम हो जाता है, जैसे आते हैं ऐसे फिर वैसे रिटर्न चले जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं होता। लेकिन आप इस्कॉन में जी देखिए, प्रभुपाद जी का देखिए, प्रभुपाद जी अमेरिका गए और बहुत पापी से पापी व्यक्ति भी, जब प्रभुपाद जी को सुने, केवल कुछ महीने उन प्रभुपाद जी के प्रवचन सुन करके, उनका संग प्राप्त करके, सारे पाप को छोड़ दिए, प्याज लहसुन और चाय कॉफी भी पीना छोड़ दिए, जो लोग ये ड्रग्स लिया करते थे, ऐसे भयानक भयानक ड्रग्स लेते थे। ये है प्रभाव है। तो ये दो इफेक्ट हम देख के बोल सकते हैं कि कृष्ण के प्रति आसक्ति होना चाहिए और भौतिक जगत के पाप कर्मों के प्रति विरक्ति आ जाना चाहिए, तो वो प्रमाणिक होता है और उससे सुनने से हमको लाभ मिल सकता है। जी हाँ प्रभु जी, मैंने फिर आगे पढ़ा तो आगे वही आया कि अगर आप ढोंग ढोंग करके भक्ति करते हैं, मतलब आप बनावटी भक्ति करते हैं, तो भगवान भी आपको, मतलब, तो वो माया में रखता है, आपको लगता है कि आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति उन तक पहुंच नहीं पाएगी, ऐसा हाँ, फिर आया। एग्जैक्टली सही बराबर, बात है, हाँ, तो नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, और कोई प्रश्न किसी भक्त का? बताएंगे कि अर्जुन को फिर बताए, कृष्ण हाँ भगवान हाँ बताए। बताने वाले हैं, अभी आने वाले श्लोकों में, पूरा चौथा अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बताने वाले हैं कि ऐसा क्या दिव्य रहस्य है कि कृष्ण जो है 12 करोड़ साल पहले सूर्य के देवता को ज्ञान दे भी दिए। अब भगवान ये भी बोलेंगे कि अर्जुन तुम भी मेरे साथ थे वहां पे, तुम भी सुने थे, लेकिन तुमको याद नहीं है, मुझे याद है, और तुमको क्यों याद नहीं है, मुझे क्यों याद है, ये भी भगवान सब कारण बताएंगे। हरे कृष्ण, मैं सोची क्या पता कृष्ण बताएंगे। ठीक है ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ बोला कि गौरव वर्मा जी, गौरव, बात चालू करना, मैं साइलेंट कर रहा हूँ, डिस्टर्ब। प्रभु जी आपने राम कथा में बताया, बहुत अच्छी बात बताया था परसों, आपने राम कथा में पूछना था, पर टाइम चला गया था, कि जैसे हम कोई दान करते हैं, हमने पढ़ा भी शास्त्र में, जैसे हम किसी को दान करते हैं, किसी सामान्य व्यक्ति को, तो उसका कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। जब हम किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, उसका 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है, मैं थोड़ा प्रमाणिक रूप से बोल रहा हूँ बोली का। और किसी वैष्णव दान को उसको 1000 गुना फल मिलता है, किसी धाम में जाकर, किसी तीर्थ में जाकर वैष्णव को खिलाते हैं जो भगवान करते हैं, तो उसको 1,00,000 गुना फल मिलता है। हाँ सही बात है। तो हम जो भी सेवा करते हैं या जो भी हम अपराध करते हैं, तो वो जिस व्यक्ति के प्रति अर्पण किया जाता है उसके अनुसार हमको उसका रिटर्न मिलता है। सामान्य व्यक्ति के ऊपर करने से उतना ही मिलता है। अगर हम किसी सामान्य व्यक्ति के ऊपर कुछ अपराध किए, किसी को आपने 2 थप्पड़ लगाया और आप सोचे कि वो तो मुझे लगा ही नहीं पाया, मैं बच गया, अगले जन्म में आके वो अपने आप ही रास्ते में चलते चलते 2 थप्पड़ लगा के आपको चला जाएगा, फिर आप बोलेंगे बिना कुछ किए मार दिया, पिछले जन्म में किया था तो हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण होता है तो उसके प्रति करने से कई गुना होता है, 100 गुना कई बार बताते, कई बार 1,000 गुना। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव जब बताया जा रहा है, यानी शुद्ध वैष्णव की बात की जा रही है, तो जो शुद्ध वैष्णव के प्रति जब कोई अपराध करता है, तो वो अनलिमिटेड रिएक्शन उसका होता है। वो अनलिमिटेड रिएक्शन क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर इसका वर्णन करते हैं कि उसको लाइफ आफ्टर लाइफ बहुत ही एक्सट्रीम मेंटल एंग्जाइटी से गुजरना पड़ता है, बहुत ही मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट से गुजरना पड़ता है, और वो भक्ति का उसका रास्ता पूरा जो है ब्लॉक हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन उसका भी सलूशन है कि अगर वो पश्चाताप करता है और किसी किसी शुद्ध वैष्णव का अगर आश्रय मिल जाता है, उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो वो फिर उस अपराध से धीरे धीरे मुक्त होकर के भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये है, तो ये सावधान रहना चाहिए। इसलिए वैष्णव अपराध को हाथी मत अपराध बोला गया है, वैष्णव के प्रति अपराध करना मतलब
पागल हाथी गार्डन में जाके जैसे तहस नहस कर देता है वैसा होता है। और वैष्णव अपराध का मतलब क्या होता है कि किसी वैष्णव का निंदा करना भी वो भी वैष्णव अपराध में आता है, भले वो वैष्णव सुन नहीं रहा हो, पीठ पीछे जिसको बोलते हैं पीठ पीछे निंदा कर दी तो वो भी वैष्णव अपराध में आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, चाहे वैष्णव गलत भी करें तब भी उनको, वैष्णव गलत नहीं कर सकता है, वैष्णव कभी गलत नहीं करता, इसलिए वैष्णव में पहले ही ऐड कर दिया। वैष्णव मतलब प्योर वैष्णव की बात की जा रही है, हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं हम लोग वैष्णव प्राय बोला गया, भक्तिनो ठाकुर ये टर्म देते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक वैष्णव, मतलब हम लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसे भी जो भक्ति कर रहे हैं भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं ना, उनके प्रति भी अगर कोई अपराध करता है तो उसका भी रिएक्शन मिलता है, लेकिन उसका इतना हैवी रिएक्शन नहीं होता है कि वो जन्म जन्मांतर तक भटकता रहेगा। इस जन्म में जो क्लेश आते हैं मानसिक तनाव या शारीरिक दुख होता है वो मिलता है, और दूसरा हमारा जो भक्ति के प्रति रुचि है वो कम हो जाता है। तो साधारण जो वैष्णव का उनके, इसलिए जो वैष्णव जितनी मात्रा में शुद्ध है उसके उसके प्रति अपराध करने का उतनी मात्रा में ही अपराध भयानक अपराध लगता है। और उसी का उल्टा उससे भी अप्लाई होता है कि जो वैष्णव जितनी मात्रा में शुद्ध है उसका उतना सेवा करने से या उसको हेल्प करने से सहयोग करने से उतनी मात्रा में फल भी मिलता है। जैसे प्रभुपाद जी शुद्ध वैष्णव है, तो जितने लोग भी प्रभुपाद जी को मिशन में प्रचार करने में हेल्प किए, छोटा सा छोटा हेल्प भी किए ना, तो देखा गया कि वो कालांतर में वैष्णव बन गया, भगवान की कृपा को प्राप्त कर लिए, तो ये प्रभाव था। और वहीं प्रभुपाद जी के प्रति अपराध करने वाले जो थे वो सब जो सफाया हो गए, ऐसा भी प्रमाण है, ऐसा भी हमने देखा है इतिहास में। ओके, थैंक यू।